हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू वी रोजी बायतिया शो। अब हम लोग जो है ना, इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने जो है वो, या पर देख सकते हैं मेरा एलएमएस खुला हुआ है, रीडिंग वाला पार्ट भी खुला हुआ है। ये ओपन है, देखिए सर हम रीड कर सकते हैं। पिछला जो इसका पार्ट है, इसमें मैंने लेक्चर नंबर टू और फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने किया था प्री असेसमेंट के लिए हमने, और मैंने की थी वीडियो देखी थी सर जो वीडियो पढ़ा रहे होते हैं ना सर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही है ये सेकेंड टॉपिक। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में, मतलब आई मीन इस वीडियो में हम लोग जो है ना रीडिंग करेंगे। चलिए हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ समझ में आया। वेल, ये टॉपिक तो पुराना ही है, चलते हैं फिर। मेटल इज मेड ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन और कार्बन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। मेटल एक इज मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स का मजमुआ है, एलिमेंट सब्सटेंसेस कुछ ऐसे चीज़ों का मजमुआ जिसको एलिमेंट के सब्सटेंसेस का मजमुआ है। ठीक है, सच एज हाइड्रोजन और कार्बन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और कन्वर्टेड इंटू अदर सब्सटेंसेस। सच एज हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो स्मॉलेस्ट ऐसे एलिमेंट्स का मजमुआ होता है मैटर, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, कन्वर्टेड इंटू अदर सब्सटेंसेस बाई केमिकल मीन्स, वो केमिकल मीन्स केमिकल ही वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इज एन एटम। अब एटम क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का। ठीक है, जो कि अपनी खसूसियात को रिटेन करता है। ठीक है, कौन सी खसूसियात होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद उनको रिटेन करता है, वो ख़त्म नहीं हो जाती, बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाती, उसके अंदर रहती हैं वो एक खसूसियात। ठीक है, However, the characteristics of substances other than pure elements, लेकिन characteristic of substances और वो वाले substances की characteristic जो कि pure नहीं है, including the materials from which living cells are made, including the materials from which living cells are made। अच्छा हाँ, उस material को भी इसमें include किया जाता है जिससे जो जानदार सेल है वो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, डिपेंड ऑन द वे देयर एटम्स आर लिंक टुगेदर इन ग्रुप्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब इसी चीज़ पर डिपेंड करते हुए, ठीक है, एटम्स जो हैं वो लिंक टुगेदर हैं इन ग्रुप्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट फ्रॉम इनएनिमेट मैटर, ये बात जानने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस इनएनिमेट मैटर से किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, देयर फॉर इट इज क्रूशियल टू नो हाउ All of the chemical bonds that hold atom together in molecules are formed। अब ये भी हमने जानना है, ये एक बहुत ही पेचीदा बात है, बहुत ही क्रूशल है मामला, बहुत ही नाजुक, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मामला है कि ये देखना है कि केमिकल बॉन्ड से एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड करते हैं। ठीक है, अब और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये शुभ भी गौर करने वाला, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, समझ लग गई, अब देखते आगे क्या। ईच एटम हैज़ एट इट्स सेंटर वो अपने सेंटर पर क्या रखता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हर एटम के सेंटर में होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक हो गया, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और हमें रिकॉल कर लेना चाहिए, रिकॉल करना मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, तो खैर कोई बात नहीं, हमारे पास आईके वाला मटेरियल है, हम इसी को अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे भी आई होप कि आपका भी हो जाए, मेरा तो हो रहा है। ईच एटम हैज एट इट्स सेंटर, हर एटम के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है विच इज सराउंडेड बाय सम डिस्टेंस बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, जो कि सराउंड करता है, जिसके इर्द गिर्द होते हैं
जिसके देखिए होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आगे हेल्ड इन अ सीरीज ऑफ, अब उसने कहा है कि डिस्टेंस पर होते हैं, किसी डिस्टेंस पर, किसी एक डिस्टेंस पर होते हैं, वो पूरा का पूरा क्लाउड टाइप का बना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उसके बाद हेल्ड इन अ सीरीज ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। अब ऑर्बिटल्स आप लोगों को पता है कि ये डिस्कवर किए थे ऑर्बिटल्स एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उसके बाद रदरफोर्ड के बाद जो बोहर आया था ना, हाँ, उसने ऑर्बिटल्स का बताया था कि हाँ ये रदरफोर्ड ने भी बताया था। उसने सिर्फ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को बताया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो साइड के एटम्स है ना वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसने रदरफोर्ड ने ये बताया। फिर उसके बाद बोहर आया था, बोहर ने बताया था कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो सीरी अच्छा हेल्ड इन अ सीरीज ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। हाँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में होते हैं। सीरीज किसकी होती है? ऑर्बिटल्स की होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ये लोग न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए होते हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूव भी कर रहे हैं और न्यूक्लियस के पास पास भी हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं उसके साथ, ओके। उसके बाद फिर ये मिलकर ना एक एटम बना रहे हैं, ठीक है। एटम के अंदरूनी हिस्से को डिस्कस किया जा रहा है। सो द न्यूक्लियस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो जो है ना न्यूक्लियस के अंदर कितने काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। और उसके अलावा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना वो होता है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज के साथ में जो है वो बैलेंस करने के लिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए है वो उसके अंदर प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस आपने सुना होगा वो करते हैं एक दूसरे को पुल करते हैं, मतलब पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, और अट्रैक्ट करते हैं, ये सही वर्ड है। तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। वही फिनोमेना है न्यूक्लियस जो है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, और उसके बाद प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो गिना किया जाएगा प्रोटॉन का चार्ज जो कि पॉजिटिव है, और वो किसके मुकाबले में पॉजिटिव है? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। वो कहाँ घूम रहा है? वो उस न्यूक्लियस के अराउंड एक खास स्पेस में घूम रहा है, उसके अराउंड एक खास डिस्टेंस पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद जनाब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस गिव्स द एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमें देते हैं एटॉमिक नंबर, जिसकी बेस पर हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज अ न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। अब एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है, उसके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जाहिर है बात है न्यूक्लियस तो एक ही होगा सबके पास, ठीक है, और उस न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। सो हाइड्रोजन विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 1 इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जिसके पास, इसका मतलब है कि इसके पास 1 प्रोटॉन है, तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाइटेस्ट है, इसका कोई वेट भी नहीं हो सकता, ठीक है, होगा सही बट बहुत ही कम। जहाँ तक मुझे याद है इसका मेरे ख्याल से 0.001 इसका वेट है एटॉमिक मास, आई गेस। चल आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैसे बनता है? ये कोवलेंट शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब शेयर होते हैं के मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल ये अलग एटम था, ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइटम वैसे तो इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का एक और लेकर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, अभी वो अलग जीरा है, वो अलग जीरा है, ठीक है। अब इसको ना ये कंप्लीट करने के लिए, ये और ऑक्टेट, ये इसका ऑर्बिटल जो है ना कंप्लीट करने के लिए
इसको चाहिए होते हैं हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स, या तो दो दो रूल्स हमने पढ़े थे पहले, तो ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल जो होता है ना वो हाइड्रोजन फुलफिल करता है, ठीक है। तो डुप्लेट रूल जो है ना उसके मुताबिक हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए चाहिए